Today, I am going to solve some problems of exercise 1D. एक्सरसाइज 1D का कुछ प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं, इसी के आधार पर टोटल एक्सरसाइज फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ है कि प्रूव दैट 2+√3 इज इरेशनल। सो करना है 2+√5 को इरेशनल दिखाना है। तो लेट अस अज्यूम दैट 2+√5 इज इरेशनल। इरेशनल हमको शो करना है, इसको हम लोग रेशनल मान लिया। वी ऑल्सो नो दैट्स द रेशनल नंबर इज इन दिस फॉर्म ऑफ ए बाई वी, देयरफॉर 2+√5 इक्वल टू ए बाई वी। चेंजिंग देयर साइड्स, √5 इक्वल टू ए बाई बी माइनस 2, टेकिंग एलसीएम बी आया एलसीएम, ए माइनस 2 बी आया, ए माइनस 2 बी बटा जी इम्प्लाइज √5 इक्वल टू ए माइनस 2 बी बाई बी। दिस इज द फॉर्म ऑफ ए बाई बी, विच इज द रेशनल। ए रेशनल का फॉर्म है, ए रेशनल का फॉर्म है, देयरफॉर एल एच एस विल बी आल्सो रेशनल। दस √5 इज रेशनल। बट दिस कंट्राडिक्स द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। लेकिन हम लोग प्रीवियस में पढ़े हैं कि √5 इरेशनल है, ये हम लोग प्रूव भी किए हैं, एक कंट्राडिक्शन आया। सो आवर असुम्पशन इज द रॉन्ग्स। जो हम लेट कर चले थे कि 2+√5 रेशनल है, ये रॉन्ग होती है। हैंस आवर असुम्पशन इज द रॉन्ग, हैंस 2+√5 इज इरेशनल। इसलिए 2+√5 एक इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसी का है, थर्ड का ही 9th है कि प्रूव दैट √3+√5 इज इरेशनल। कि √3+√5 को इरेशनल शो करना है। तो लेट अस अज्यूम दैट √3+√5 इज रेशनल। रेशनल है कि √3+√5 को हम लोग रेशनल मान लिए। बट इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए बाई बी, देयरफॉर √3+√5 इक्वल टू ए बाई बी। चेंजिंग देयर साइड्स, √3 इक्वल टू ए बाई बी माइनस √3। साइड चेंज की, वी हैव टू रिमूव दिस स्क्वायर्स, सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। हमें स्क्वायर को रिमूव करना है, इसलिए स्क्वायर को रिमूव करने के लिए दोनों साइड में हम स्क्वायरिंग कर देंगे। √3 का स्क्वायर इक्वल टू ए बाई बी माइनस √5 का होल स्क्वायर। √3 का स्क्वायर दैट मीन्स 3, और दिस इज द फॉर्म ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इम्प्लाइज 3 इक्वल टू ए बाई बी का होल स्क्वायर, दैट मीन्स ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 2a बाई बी इंटू √5 प्लस √5 इंटू √5 इक्वल टू 5। चेंजिंग द साइड, माइनस है इसलिए इसको लेफ्ट लाया तो प्लस बन गया। 2√5 ए बाई बी इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 5, इसको राइट साइड में लेंगे तो माइनस हो गया। इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस माइनस, माइनस 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। देयरफॉर इम्प्लाइज 2√5 ए बाई बी इक्वल टू, टेकिंग एलसीएम बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर तो फॉर्म बनेगा। इम्प्लाइज √5 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर बाई बी स्क्वायर एन टू बी बाई 2√5। मल्टीप्लाई में है, इधर का डिवाइड में कर लीजिए इसको, बी से बी कैंसिल करके रिमेनिंग फैक्टर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर बाई 2√5ab। दिस इज द फॉर्म ऑफ ए बाई बी के फॉर्म में है, विच इज द रेशनल। तो ए जब रेशनल आ गए, इसलिए √5 ही हम लोग रेशनल लिख सकते हैं। दस √5 इज रेशनल। बट दिस कंट्राडिक्स दैट फैक्ट, अगेन वी हैव टू प्रूव दैट्स कि √5 इज रेशनल। सो आवर असम्पशन इज द रॉन्ग। जो हम लोग स्टेटमेंट मान के चले थे कि एक रेशनल नंबर है, ये रॉन्ग होती है। हैंस √3+√5 इज इरेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कि प्रूव दैट 2√3-1
इज एन इरेशनल। क्वेश्चन नंबर 7 कि प्रूव दैट 2√3-1 इज एन इरेशनल नंबर। सेम प्रोसेस इससे हमें प्रूव करना है। तो अगेन लेट अज्यूम दैट 2√3-1 इज रेशनल। फिर इसको नॉन रेशनल मान के चलिए। द रेशनल द फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर इज इक्वल टू ए बाई बी, दैट इज 2√3-1 इक्वल टू ए बटा बी। अगेन चेंजिंग दिन साइड्स 2√3 इक्वल टू ए बाई बी माइनस है साइड चेंज की प्लस में आ गया। टेकिंग एलसीएम बी पी एलसीएम आया इसलिए ए प्लस बी बाई बी आ गया। इम्प्लाइज √3 इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू को राइट साइड में ले गए बाई टू बी। तो दिस इज द फॉर्म ऑफ कहता है कि ए बाई बी विच इज द रेशनल। देयर इम्प्लाइज √3 इज ऑल्सो रेशनल बट दिस कंट्राडिक्स द फैक्ट दैट √3 इज इरेशनल। क्योंकि प्रीवियस हम लोग पढ़े हैं अप्रूव किए हैं कि कहता है कि √3 तो इरेशनल नंबर होती है। सो आवर असम्पशन इज रॉन्ग। जो हमारा स्टेटमेंट लेके चले थे कि रेशनल है ये रॉन्ग साबित होती है। हैंस 2√3-1 इज इरेशनल। क्वेश्चन नंबर 9 प्रूव दैट 5-2√3 इज एन इरेशनल। नेक्स्ट प्रूफ करना है कि 5-2√3 को इरेशनल दिखाना है। तो लेट अज्यूम दैट 5-2√3 इज रेशनल। दैट इज कि 5-2√3 इक्वल टू ए बाई बी। चेंजिंग दर सेट्स कि 5 इसको लेफ्ट लाया माइनस वाले टर्म को हम लोग राइट माइनस वाले टर्म को राइट साइड में ले गया। तो आएगा 5-a/b इक्वल टू माइनस है तो साइड चेंज की तो प्लस में आ गया। टेकिंग एलसीएम बी 5b-a/b इक्वल टू 2√3। देयरफॉर √3 इज इक्वल टू 5b-a/2b। दिस इज द फॉर्म ऑफ a/b सो इट इज द रेशनल। हेंस √3 इज ऑल्सो रेशनल बट दिस कंट्राडिक्स द फैक्ट दैट √3 इज इरेशनल। सो आवर असम्पशन इज द रॉन्ग। हैंस 5-2√3 इज एन इरेशनल। इस प्रकार से देखते हैं कि 5-2√3 भी इरेशनल्स है। क्वेश्चन नंबर 11 कि प्रूव दैट 2y√7 इज इरेशनल। तो वी सी दैट्स ए डिनोमिनेटर इज इरेशनल सो फर्स्ट वी कन्वर्ट इट इनटू द रेशनल। इसमें माइनस √7 इरेशनल है। फर्स्ट ऑफ ऑल कहता है इसका हम लोग रेशनल में कन्वर्ट कर देंगे। सो देयरफॉर 2y√7 इक्वल टू 2y√7 मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √7। तो 2√7 √7 इनटू √7 इक्वल टू 7 और दिस इज द रेशनल। सो 2√7/7 इक्वल टू a/b इम्प्लाइज 2√7 इक्वल टू 7a/b इम्प्लाइज √7 इक्वल टू 7a/2b विच इज द रेशनल। ये रेशनल के फॉर्म में आया इम्प्लाइज √7 इज ऑल्सो द रेशनल बट कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट। लेकिन हम लोग प्रीवियस में पढ़े हैं कि √7 इरेशनल होती है। सो आवर असम्पशन इज रॉन्ग। हैंस 2√7 इज इरेशनल। इस प्रकार से हम लोग प्रॉब्लम को सोल्व करें।